लाइक अ ब्रॉक लेसनर टाइप, और हफ्सी होते थे वो। गुड मॉर्निंग एवरीवन, आदाब नमस्कार सत श्री अकाल, मेरा नाम है अमन और आप देख रहे हैं अमन होपर ब्लॉग। सो कैसे हो आप सब, आई होप यू आर डूइंग वेल, वेलकम बैक टू माय चैनल गाइस। सो गाइस आज हम जा रहे हैं बल्लभगढ़ राजा नारसिंह प्लेस, जो आपने फरीदाबाद में नाम कभी सुना होगा राजा नारसिंह का, फरीदाबाद में बहुत पुराने हैं, उन्होंने अंग्रेजों के खिलाफ लड़ाई करी थी, आज हम आपको वहाँ की जगह दिखाएंगे। बाकी आप ऐसे ही बने रहें, आगे दिखाते हैं हम। तो एवरीवन, जैसा कि आपको अभी बताया कि आज हम जा रहे हैं बल्लभगढ़ राजा नारसिंह किले में। आज हमारे साथ एक और बंदा है, डुआ है अमन, ये भाई हमारा छोटा भाई है, ये थोड़ा सा इसका मन था कि भाई मुझे भी लो वीडियो में, इसलिए आज हम इसको वीडियो में लेने जा रहे हैं। तो भाई आप अमन भाई को देख रहे हो, अमन कहाँ है तो मैं आपको दिखा देता हूँ, ये रहा अमन। हेलो गाइस, फाइनली आज हम जा रहे हैं राजा नारसिंह बल्लभगढ़ का किला है, बहुत बड़ा। जो भी मेरे भाई बंधु दिल्ली में रहते हैं और जो ये वीडियो देख रहे हैं, उनके लिए सिर्फ 20 किलोमीटर की दूरी पे है, ओनली मथुरा रोड पकड़े और यहाँ पे आ जाएं। सिर्फ मथुरा रोड पकड़ के आगे चल के हम आपको दिखाएंगे। जो भी बहन माता भाई बहन जो भी हमारे गुड़गांव से है, जो हमसे प्रेम करते हैं, जो हमारी वीडियो लाइक सब्सक्राइब शेयर सब कुछ करते हैं, उनके लिए 25 किलोमीटर की दूरी पे है, आए और एक बार देखें। बाकी हम आगे चलते हैं, आगे बताते हैं आपको। ओके गाइस, दोस्तों फाइनली हम आ चुके हैं राजा नारसिंह प्लेस, चुके हैं राजा नारसिंह के किले में और हम आपको दिखाएंगे। ये रहा सौरभ, हेलो कर दो भाई। चलते हैं फिर भाई। और दोस्तों मैं बिल्कुल फ्रंट गेट पर खड़ा हूँ, अब हम यहाँ से जाने वाले हैं अंदर, तो चलिए मेरे साथ, आइए आपको दिखाते हैं। सो गाइस फाइनली आगे मिलते हैं आपको, जैसा भी होगा हम आपको दिखाएंगे चारों तरफ का व्यू। यहाँ पे हमारी बाइक लगी हुई है, पार्किंग है यहाँ पे, बहुत गाड़ी वगैरह भी है। ये है कि तो दोस्तों देख सकते हो आप, हम एंटर हो चुके हैं और मैं दिखा दूँ आपको। फ्रेंड्स ये आपको राजा नारसिंह के बारे में पूरी जानकारी दे रखी है, कहाँ से क्या था, शुरुआत से लेके एंड तक पूरी जानकारी, आप इसको पढ़ लो, आपको ये अच्छे से पूरी जानकारी दे देगा। तो भाई अब हम घुस रहे हैं राजा नारसिंह के किले में, अब हम आपको दिखाएंगे, अब जैसा भी है आप बने रहो हमारे साथ, हम आपको दिखा दे सामने कौन कौन है हमारे। हाँ हाँ चल आ जाओ, आ जा भाई। तो भाई हम आ चुके हैं यहाँ पे राजा नारसिंह के किले में, क्योंकि बल्लभगढ़ में अभी देखते अंदर क्या क्या होता है ना। तो दोस्तों मैं बता दूँ, काफी अच्छा व्यू है यहाँ का, देखो चारों तरफ आप। ये है, आज हम ऐसे टाइम पे आए हैं जिस टाइम पे कोई आता नहीं है, ये आप चारों तरफ देख सकते हो। और गाय एक चीज़ दिखाऊँ मैं आपको, देखो वहाँ पे एक कुर्सी भी है, ये इस साइड का है। और मैं बता दूँ आपको, ये पेड़ है, पीपल का पेड़ है, काफ़ी पुराना पेड़ होगा सदियों से यहाँ पर ही। और हम आपको आगे ले जाते हैं, मैं बता दूँ गाइस कि यहाँ पे 1823 में उनका जन्म हुआ था और 1858 में उनकी मृत्यु हो गई थी। और मैं बता दूं यहाँ पे वो इसी किले में रहते थे, इस जगह पे जहाँ पे ये लोग घूम रहे हैं। और काफ़ी अच्छा व्यू है, वैसे तो कोई आज आया नहीं है बट व्यू काफ़ी अच्छा है, ये देखो। तो काफ़ी अच्छा लग रहा है यहाँ पर हमें, क्या बोलना चाहेगा भाई? यहाँ पे जो राजा है, जो भी मीटिंग होती थी इनकी, जो भी प्रजा सारी आती थी और यहाँ से जो भी डिसीजन लिया जाता था उनका। आप क्या बता रहे, देखो यहाँ पे जो कुटिया वुटिया बंद पड़ी है, गेट वेट, तो सोचो भाई इसमें अंदर क्या होगा जो पहले से बंद पड़े हुए हैं। या राजाओं की कुछ ऐसे जो चीज़ें हैं जो आज तक बाहर नहीं आई, कुछ राज ऐसे भी हैं यहाँ। आप क्या बोलना चाहोगे?
तो जैसा कि जो महल है यहाँ पर इसका भी होटल बना दिया गया है जो कि दूर दूर से लोग आके यहाँ पे ठहरते हैं। चलो आप क्या बोलना चाहोगे? तो गाइस मैं आपको बता दूं कि राजा नार सिंह का जन्म 6 अप्रैल 1823 में हुआ था। उन्होंने मतलब उनका जो वो थे ना उनकी जो कास्ट थी वो थी जाट, वे यहाँ जाट थे और ये जो महल है ये उनके पूर्वजों ने बनाया था। तो दोस्तों मैं दिखा दूँ, ये झूला है उनका, ये देख सकते हैं आप, यहाँ पे अलाउड नहीं है वैसे बैठना, मैं अंदर लेके चलता हूँ आपको। ये देखो ऐसा लग रहा है हम ताजमहल में आ गए हैं। ये डिज़ाइनें कुछ काफ़ी अच्छी हैं और ये देख सकते हो आप, दूर दूर तक कोई नहीं है फ़िलहाल तो, और हम ऐसे टाइम पे आए हैं। और ये गेट है जो कि बंद है, अंदर से बंद है, बाकी अपने फ़ोन में लग रहे हैं और ये फ़ोटो शूट हो रहा है उनका, ये देख सकते हो आप। आप देख रहे हो यहाँ ऊपर भी जो है, ऊपर भी जगह है पर हमें अभी पता नहीं है कि यहाँ ऊपर जा सकते हैं कि नहीं, तो अभी हम किसी से कंफर्म कर लेते हैं फिर हम जो है ऊपर भी जाएंगे, आपको ऊपर से दिखाते हैं। इसके पीछे शायद एक जंगल वगैरह भी है वो भी दिखाएंगे। क्या देखना है? ये भाई कील है, घुसाने के लिए लगाई जाती हैं, घुसाने के लिए लगाई जाती हैं। इसी टाइम पे जब युद्ध छिड़ा था 1823 की बात है, जब की बात है। और ये दीवार देखो, ये गेट देखो कितना बड़ा है, ये तो फिर भी कम दिख रहा होगा आपको, बट पहले के जो वो होते थे, पहले के लोग होते थे जो वो 10-10 फीट के होते थे, लाइक अ ब्रॉक लेसनर टाइप, और हफ्सी होते थे वो, तो काफ़ी बढ़िया था। और ये गेट किसी को कुछ भी कर लो फिर भी वो टूटता नहीं था, ऐसा था। अबे भाई क्या करेगा उसका तू? तो भाई गेट ऐसे होते हैं, कुंडी है वो अटकाने के लिए, अब उन्हें तो सही है ज़्यादा। सो फ्रेंड्स मैं आपको बता दूँ कि जहाँ हम आपको लेके गए थे राजा नार सिंह प्लेस, वहाँ पे हमें कुछ खास लगा नहीं जिस हिसाब से हमने प्लान किया था, वो वाली बात आई नहीं जैसा कि आपने वीडियो में देखा होगा। फाइनली वहाँ से हम निकल चुके हैं और वो कुछ खास नहीं लगा हमें, तो हम ये है कि हमारा प्लान हो रहा है कि हम जाए कहाँ, ये आगे मिलते हैं, बाकी हम करते हैं डिसाइड क्या करना है क्या। तो दोस्तों हम जहाँ गए वहाँ तो कुछ खास वो महल था नहीं, सो फाइनली हम आ गए हैं मॉल में और हम प्लान कर रहे हैं कि कोई मूवी देख लें। हमें सौरभ प्लान कर रहे हैं मूवी कोई देख लें, भाई देखते हैं कौन सी मूवी चल रही है। तो अभी देखते हैं, बाकी वैनम है एक और भी फास्ट एंड फ्यूरियस है एक, तो वहाँ कुछ खास मज़ा आया नहीं, तो हम फिर भी कोशिश कर रहे हैं आपको एंटरटेन करने की और बने रहें आगे। दोस्तों हम एग्ज़िट हो चुके हैं और हम जा रहे हैं घर, वेदर भी काफ़ी अच्छा है और हम बाहर आ चुके हैं, देखो व्यू भी अच्छा है और आप देख सकते हो चारों तरफ। फाइनली चल के कुछ खाते हैं उसके बाद जाते हैं अपने घर, ठीक है। अगर ये व्लॉग अच्छा लगा हो तो इसको लाइक शेयर कमेंट ज़रूर करें, चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को, और ये व्लॉग बताना कि ये व्लॉग कैसा है, क्योंकि हमने जिस हिसाब से प्लान किया था वो कुछ खास नहीं निकला, तो इसलिए हम आगे बनते हैं व्लॉग में। ओके तब तक स्टे ट्यून करें।